Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज है ना मैं आपको ब्लैकेट्स निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा पैक बताने वाली हूँ. अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकेट्स हो गए हैं या आप उसे निकालते नहीं हैं या आपको मतलब उसे निकालना नहीं आता है तो एक बहुत ही सिंपल रेमेडी से हम बस इसे अपने चेहरे से निकाल सकते हैं जो भी वाइट हेड ब्लैकेट्स है. बहुत ही आसानी से हम इस पैक के जरिए से हम अपने ब्लैकेट्स और वाइट हेड को निकाल सकते हैं और इससे हमारा स्किन जो है वो स्मूथ भी हो जाता है. और आपकी अगर स्किन के ऊपर कोई भी डेड स्किन है, जो स्किन हमारा बहुत ज़्यादा डेड यानी कि मर जाता है या स्किन ऐसा ऊपर ऊपर ड्राई ड्राई दिखाई देता है, तो वो भी स्किन आपका इस मास्क से निकल जाएगा बहुत ही आसानी से. अगर बहुत ज़्यादा आपको वाइटर और ब्लैकेट है और आपने उसको कभी निकाला नहीं है और आपको निकालना आता भी नहीं है, जब हम उसे नहीं निकालते हैं तो उसके ऊपर ना छोटे छोटे बाल आ जाते हैं जिससे हमारा स्किन के ऊपर ब्लैकहेड्स इतना अच्छे से दिखाई देता है कि आप कहीं पे भी बाहर जाइए या सनलाइट में जाइए ना, तो वो सिर्फ आपके नोज के ऊपर इतना मतलब क्लियर से दिखाई देता है. अगर आप उसको कभी भी ब्लैकहेड्स को नहीं निकालते, वो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. हमारे पोर्स को वो एकदम बंद कर देता है. तो हमें इसे क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. मैं आपको आज बताती हूँ कि आप इसे किस तरह से निकालते हैं. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए. तो सबसे पहले ना हम एक खाली बॉल ले लेंगे और उसके अंदर ना मैं ऐड करूंगी, मैं सारे किचन के इंग्रेडिएंट ही इसमें ऐड कर रही हूँ. आपको बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है कि कुछ अलग से आपको खर्चा करना होगा. और इसमें टूल्स वगैरह मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, बस एक सिंपल सा पैक बता रही हूँ जिससे आप आसानी से ये ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड को निकाल सकते हैं. तो उसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ बेकिंग सोडा. इसे मैं एक हाफ टी स्पून जितना ही लूंगी. बाद में लूंगी कॉर्नफ्लावर. तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर 1 टीस्पून बेसन. बहुत ही अच्छा क्लेंजर है ये क्लेंजिंग का काम बहुत ही अच्छे से करता है. और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी दही. दही के अंदर पानी है तो आप पानी को हटाकर दही ले लीजिए, मतलब योगर्ट ले लीजिए. ज्यादा पानी वाला दही बिल्कुल भी मत लीजिए. तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ना फूलने लगा है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, तो ये थोड़ा सा फूल गया है. तो अभी मैं क्या करूंगी, इसे साइड में रख दूंगी. छोटा सा टावल ले लीजिए और इसे गर्म पानी में डीप करने के बाद में इसे इस तरह से अपने चेहरे पे रख लीजिए. आपकी जो पोर्स है वो ओपन हो जाए और हमें स्क्रबिंग या ये जो मास्क लगाने में आसानी हो, ताकि हमारा जो व्हाइटेड और ब्लैकेट्स है वो आसानी से रिमूव हो जाए. तो इस तरह से आपने 1 से 2 बार अपने स्किन के ऊपर इस तरह से गीले कपड़े से चेहरे पर रख लेना है ताकि आपका चेहरा मतलब आपका जो पोर्स है वो ओपन हो जाए. वो इस तरह का कर लीजिए. और जब भी आप इस पैक को लगा रहे हैं ना, तो पहले आप अपने स्किन के ऊपर ना इस तरह से चेक कर लीजिए. आपको आपके स्किन के ऊपर व्हाइट हेड ब्लैक हेड है ना ऐसा महसूस होगा, तो आप जरूर देखना करके कि व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स आपको किधर किधर ज्यादा लग रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स है. तो ज्यादा करके हमको यहाँ पर चिन एरिया में होता है, नोज के पास होता है और यहाँ पर है ना दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आप फिंगर से इसे टच करोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे व्हाइट हेड है ब्लैक हेड्स है ऐसा फील होगा. तो मुझे 1-2 ऐसा फील हो रहा है. तो इस तरह से अपने गर्म कपड़े से अपने चेहरे को अच्छे से स्टीम दे दीजिए 2 बार और उसके बाद हम इस मास्क को लगाएंगे. आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये फूल गया है. तो इस बेकिंग सोडा वाला पैक को आपने अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लेना है. अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैकहेड्स है और इस तरह के अगर आप रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए कि मुझे एक ही बार में इसे रगड़ रगड़ के निकालना है. यही आपके स्किन को लाइटन भी करेगा और प्लस आपके स्किन को ना ये हाइड्रेट रखता है. तो ये आपके जब स्किन के ऊपर लग जाता है तो आपके व्हाइट हेड और ब्लैकहेड को ना ये सॉफ्ट कर देता है और इसे निकालने में बहुत आसान होता है. तो और मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर भी मिलाया है और बेकिंग सोडा भी मिलाया है. बेकिंग सोडा आपके स्किन के ऊपर जो भी रेडनेस है या स्वेलिंग है उसे ये रिड्यूस करता है. आपके पिंपल्स है तो ये पिंपल्स को भी ड्राई करता है और आपके व्हाइटेड और ब्लैकहेड्स के लिए तो ये बहुत ही कमाल करता है. तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपने इसे लगा लेना है और इसे दोनों हाथ से ना हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है. तो इस तरह से आपने मसाज करते रहना है
ये बहुत ही अच्छा क्लेंजर है, आपकी स्किन को भी क्लीन करेगा, आपके व्हाइटेड और ब्लैकेड को भी रिमूव करेगा, प्लस आपके स्किन को ये लाइटन करने का काम करेगा। ये इतना अच्छा क्लेंजर है कि आपके ब्लैकेड्स और व्हाइटेड को ना, मतलब पहले एप्लीकेशन में आप देखेंगे चेंजेस कि बहुत ही अच्छे से निकलेगा। तो ये इस तरह के माइल्ड स्क्रब को आप जरूर इस्तेमाल करके देखिए। तो इसे इस तरह से आपने लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे और क्या करना है। अब ये 5 मिनट हो गए, ये अच्छे से ड्राई हो रहा है। मैं फिर से गर्म पानी ले रही हूँ और इसे इस तरह से निकालूंगी। ठीक है, अभी ये अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद आप क्या करेंगी, फिर से इसे गर्म पानी में अच्छे से मतलब डुबा लीजिए। और उसके बाद जहाँ आपको ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड है तो आपने इस तरह से ले लीजिए और इसे इस तरह से ऐसा सर्कुलर मोशन में इसे रब कीजिए, और वो भी बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। ये इस तरह से अब निकलेगा जब, मतलब जैसे हमने पैक लगाया है, तो ये हमारे स्किन को एकदम स्मूथ सॉफ्ट कर देता है, और जो पोर्स हमारे जो ओपन हो जाते हैं गर्म पानी से, तो ये आपके अंदर से स्किन को और अच्छे से डीपली क्लेंस करता है। तो इस तरह से आपने इसको रब करना है। तो जहाँ पे भी आपको ब्लैकहेड्स है तो उसे बस हल्के हाथ से आपने इस तरह से घुमाते रहिए, और प्लीज ध्यान दीजिए कि ज्यादा रगड़ना नहीं है, आपका स्किन छिल भी सकता है। तो जितना हो सके ना आप हल्के हल्के हाथ से ही इसे इसे सर्कुलर मोशन पे राउंड राउंड करते रहेंगे, ताकि ये इस तरह से आपके व्हाइटेड और ब्लैकेड्स को बहुत ही अच्छे से रिमूव करेगा। तो आप जितना इसे अच्छे से और हल्के हाथ से करेंगे, उतने से अच्छे से आपका व्हाइटेड और ब्लैकेड्स बहुत अच्छे से निकलेगा। तो हमने जब मास्क लगाने से पहले अपने स्किन को चेक किया था कि कहाँ है या नहीं है, तो आप उसके बाद जब ये हमारा क्लेंजिंग हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये जो हमने पैक लगाया है, शायद नहीं दिख रहा है आपको थोड़ा सा ये, तो जो भी हमारे व्हाइटेड ब्लैकेट्स है ना वो इस पे आ जाता है, या आपको नहीं निकालना आता है तो वो इसमें आराम से आ जाएगा। आपकी नोज जो है वो बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट हो जाएगा। आपके नोज में अगर बहुत ही व्हाइटेड और ब्लैकेट्स है तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ सॉफ्ट हो जाएगा, और आपके स्किन के ऊपर ना एक बहुत ही अच्छा शाइन ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्किन क्लीन भी हो गया है और व्हाइटेड और ब्लैकेट्स भी बहुत अच्छे से निकल गया है। वो सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ कि अच्छे से निकल गया है। अगर आप जिस टाइम लगाएंगे तो आप खुद देखना कि कितने अच्छे से आपके स्किन में से ये व्हाइटेड और ब्लैकेट्स को रिमूव कर देगा। तो कंप्लीट हो गया, हमने पैक भी लगा लिया है, इसे रिमूव भी कर लिया है, और इसे मतलब अच्छे से ब्लैकेट्स और व्हाइटेड को निकाल दिया है। तो जब हम ये व्हाइटेड और ब्लैकेट निकालते हैं तो हमारा जो पोर्स है वो खुला रह जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब भी आप इस तरह के कोई भी गर्म पानी से अगर चेहरा धोते हैं या आप गर्म पानी से नहाते हो, क्योंकि विंटर सीजन में ना हर कोई गर्म पानी का इस्तेमाल जरूर करता है, व्हाइटेड और ब्लैकेट जब होता है जब हमारा पोर्स ओपन रहता है तभी हमारे स्किन के अंदर सब डर्ट वगैरह जाके ये ब्लैकेट्स बन जाता है। तो जब भी अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं या किचन के पास खाना पकाते हैं तो उसके बाद है ना हमारा पोर्स जो है वो ओपन हो जाता है। तो आप किचन में जब भी काम करते हैं तो तुरंत ही आपका जब काम खत्म हो जाता है तो ठंडे पानी से आके अपना चेहरा जरूर धोइएगा। इससे आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, और जो भी आपकी स्किन के अंदर चला गया होगा ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि पोर्स ओपन था तो आपने इसे ठंडे पानी से वॉश के लिए जो ओपन था तो वो गंदगी जो है वो अपने आप बाहर आ ही जाएगा। ठंडे पानी से धोने के बाद में क्लीन हो जाएगा और आपके पोर्स को ये मिनिमाइज कर देगा। तो ये आप चीज का ध्यान रखिए कि जब भी किचन में रहे तो आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को जरूर धोइएगा। एक हो गया, दूसरा हो गया कि आप जब गर्म पानी नहाते हो तो नहाने के बाद जब आप बाहर निकलने से पहले ठंडे पानी से एक बार चेहरे को फिर से आपने धो लेना है। या तो ठंडे पानी से धो के आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं धो के आए तो बाहर आके आप टोनर जरूर लगाइए ताकि आपका जो पोर्स है वो बंद हो जाए। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लैकेट्स है तो प्लीज आप हफ्ते में 3 बार तो भी ये रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए, एक ही बार में आप अपने चेहरे को बिल्कुल भी रगड़िए मत, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको जरूर अच्छा मिलेगा, क्योंकि बहुत ही स्मूथ तरीके से ये निकलता है बिना किसी पेन के। अगर आप ब्लैकेट्स व्हाइटेड के जो निकालने के टूल इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको पेन भी होगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है, आप
आप इसको ट्राई कीजिए, आपको ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड निकालने का जो रेमेडी है बहुत पसंद आएगा। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।